नमस्कार मित्रों, जेडीजे एस्ट्रोलॉजी में मैं दिवाकर वशिष्ठ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम बड़ी मेहनत करके पैसे को कमाते हैं, पैसा प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही वह पैसा हमारे घर में आता है, पता नहीं कहां कहां इतने खर्चे हो जाते हैं कि पैसा रुक नहीं पाता। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक प्रमुख कारण है हमारे घर पर हम किस दिशा में पैसे को एकत्र करके रखते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि दिशाओं का इस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं कि किस दिशा में आप अपने पैसे को, अपने धन को, अपने सोने चांदी की वस्तुओं को आप किस दिशा में रखें, जिससे कि वह उसमें बढ़ोतरी हो, उसमें कमी ना आए। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व दिशा की, यानी कि घर की पूर्व दिशा पर अगर कोई तिजोरी या अलमारी आपने रख रखी है तो वो बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है और उसमें रखी हुई धन दौलत में बढ़ोतरी होती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। यहाँ धन संपत्ति और आभूषण रखे जाएं तो साधारण ही सुविधा का लाभ मिलता है, यानी कि अगर पश्चिम दिशा में आपने कोई अलमारी लगा रखी है और वहां पर आप अपने जो है धन को, अपने आभूषणों को अगर आप वहां पर रखते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा ये शुभ नहीं रहेगा, अल्प मात्रा में, कम मात्रा में ही शुभ रहेगा। क्योंकि अगर घर का मुखिया स्त्री पुरुष कितने भी लोग घर में कमा रहे हो, लेकिन अगर आपने पश्चिम दिशा में अलमारी लगा रखी है, वहां पे आप धन को रखते हैं, तो धन की कभी बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हो पाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं उत्तर दिशा की। घर की इस दिशा में आप पैसा, आभूषण जिस अलमारी में रखें, तो आपको करना यह है कि आपके घर की उत्तर दिशा में जो कमरा हो वहां पर आप अलमारी रखें, लेकिन अलमारी को इस तरह से रखें कि उसका जो फेस है अलमारी का, जो वो खुलेगी अलमारी, वो उत्तर दिशा की तरफ रहे और दक्षिण दिशा की तरफ अलमारी को सटा के लगाना है, यानी कि दक्षिण दिशा की जो दीवार है वहां अलमारी लगाएं और वह अलमारी उत्तर की तरफ खुले और आपके घर के उत्तर दिशा में जो कमरा बना हुआ है वहां पर आप उस अलमारी को लगाएं, वहां रखें। अगर वहां पैसा रखते हैं, वहां पर आप जो है अपने आभूषण इत्यादि रखते हैं, तो उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यह वृद्धि की सूचक है अगर आप ऐसा वहां पर करते हैं तो। अब बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में यदि आप अपने पैसे को, आभूषणों को रखते हैं, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन इन सब चीजों में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि दक्षिण दिशा में अगर अलमारी आपकी लगी हुई है, वहां पर पैसा इत्यादि आप रखते हो, तो ये बढ़ोतरी का सूचक नहीं है। हाँ, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी, पर जो हम इच्छा रखते हैं कि बढ़ोतरी हो, तो बढ़ोतरी भी नहीं हो पाएगी वहां पर। यदि मित्रों आपने घर में अलमारी, पैसा इत्यादि रखने के लिए यदि ईशान कोण में लगाई है, यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य में अगर आपने अलमारी बना रखी है और वहां पर आप अपने धन का संग्रह करते हैं, तो यकीन मानिए ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमता का कार्य आप कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा यदि आपने अपने घर में अलमारी आग्नेय कोण, यानी कि पूर्व और दक्षिण के मध्य में आपने अलमारी लगा रखी है और वहां पर आप अपने पैसे को स्टोर करते हैं, आभूषणों को रखते हैं, तो यकीन मानिए कि इसमें दिन रात घटत ही होगी, यानी कि घर का मुखिया खर्चे से कम ही कमा पाएगा, जिसके कारण कहीं ना कहीं कर्जे की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए आग्नेय कोण में बिल्कुल भी आप अपने धन को एकत्र करके ना रखें, वहां पर अलमारी इत्यादि ना लगाएं। अब बात करते हैं नैऋत्य कोण की। दक्षिण और पश्चिम के मध्य में यदि आप अपने धन को एकत्र करके रखते हैं, तो आप यकीन मानिए ये पैसा टिकता तो जरूर है, रुकता भी जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैसे में कुछ दूसरे प्रकार का गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा जरूर शामिल हो जाता है। और गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा जब शामिल होता है, तो घर में कहीं ना कहीं सुख शांति जरूर उस घर से चली जाती है। इसलिए ये दिशा भी पैसा रखने के लिए शुभ नहीं मानी जाती। इसके अलावा अब बात करते हैं वायव्य कोण की।
यानी कि उत्तर और पश्चिम के मध्य में यदि आपने अलमारी लगा रखी और वहां पर अपने पैसे को एकत्र करते हैं तो आप यकीन मानिए कि खर्चा निरंतर बढ़ता जाएगा आपके ऊपर और आप अपने खर्चों पर भी जो है लगाम नहीं लगा पाओगे और इतना पैसा भी नहीं जुटा पाओगे कि आप अपने घर और परिवार की जो है पूर्ति भी कर सकें इच्छाओं की सामानों की। और ऐसे में आपका बजट हमेशा गड़बड़ाता रहेगा और कर्जदार हमेशा आपको सताते रहेंगे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी सीढ़ी के नीचे टॉयलेट के सामने भी तिजोरी को नहीं रखना चाहिए। और तिजोरी वाले कमरे में कवाड़ यानी कि कुछ भी लोहे लक्कड़ का सामान स्टोर इत्यादि नहीं बनाना चाहिए जहां पर आपने अलमारी रखी है, पैसा जहां आप रखते हैं, और मकड़ी के जाले इत्यादि वहां पर नहीं रहने चाहिए, यानी कि साफ सफाई करते रहने चाहिए। घर की तिजोरी के पल्ले पर यानी कि जो आपने जहां भी आप पैसा एकत्र करते हैं जिस अलमारी में उसका जो पलड़ा है वहां पर आप बैठी हुई लक्ष्मी जी की जो है एक फोटो लगाएं जिसमें दो हाथी हों जो सूंड उठाए हुए हों। अगर आप ऐसा फोटो वहां लगाते हैं तो दिन रात आपके धन में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। तो ये कुछ बातें थी जिनको समझकर हम अपने खर्चों पर लगाम लगा सकते हैं और धन की बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगी, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने मिलने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। आप सभी का दिन मंगलमय रहे, इसी शुभकामना के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। नमस्कार।